जी, नेशनल प्रेसिडेंट एंटी कमेटी एलियस भ्रष्टाचार समिति, जिसकी शाखाएं संपूर्ण भारत में 640 जिलों में ब्लॉक, जिला स्तर, प्रदेश स्तर पर, जिस समिति के 22 लाख कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में अगेंस्ट करप्शन क्राइम काम कर रहे हैं। आज कोरोना का 43वां दिन चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है कि भारत की जनता कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रही है और देश की जनता तो 24 घंटे इस कोरोना से लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी कोरोना के लिए कुछ भी आतंक नहीं किए और इन्होंने 24/3/2020 को जो घोषणा किया था लॉकडाउन की, अगर ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले घोषणा किए होते हम लॉकडाउन करने वाले हैं, तो देश की जनता जो आज बेरोजगार है, मजदूर हैं, श्रम मेले में फंसी है, अपने जगह पहुंच जाती, आज भूखमरी से परेशान नहीं होती, आज उनको भागने नहीं पड़ता, कोरोना का इस तरह संक्रमण नहीं फैलता। देश के कोने में 509 हमारे मरीज थे 24/3/2020 को, आज 40,000 के ऊपर हमारे आज कोरोना के पेशेंट पूरे भारत में फैल गए। ये दुख की बात है, ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। कभी आप घंटी बजाते हैं, कभी टार जलाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, क्या हुआ? कभी आप मन की बात बोलते हैं, कभी लाउडस्पीकर लेके बोलते हैं, लोगों को आपने बेवकूफ बनाया। टार जलाने से क्या हुआ, दिया जलाने से क्या हुआ? आपने साधु संतों का सहयोग नहीं लिया, आपने रामायण का नहीं लिया, हमें महाभारत को नहीं देखा। हमारे योद्धाओं, हमारे साधु संत जिसमें जो काम करते थे, उनका तपोबल से देश चलता था, आपने टार जलाने बोला। टार जलाने से क्या होता, मोमबत्ती से क्या हुआ था, क्या होने वाला है? आपने लोगों की बुद्धि को आपने बर्बाद किया, भ्रष्ट किया। मोदी जी ऐसा नहीं होता है। 24 मार्च को आपने जो घोषणा किया, ये गलत किया। 24/2/2020 को आपने ट्रंप को अमेरिका से राष्ट्रपति को ला करके 1,00,000 लोगों को आपने अहमदाबाद में इकट्ठा किया, 10,000 लोग ट्रंप के आए। 31/12/2019 को WHO का रिपोर्ट है कि कोरोना पूरे विश्व में फैलने वाला है। आपने क्या अरेंजमेंट किया, क्या इलाज कराया? मोदी जी, आपने ट्रंप को ला करके आज हमारी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जनता कितनी परेशान है, लोग भयभीत हैं। हमारे विजय नरेला साहब जो कमिश्नर अहमदाबाद के, आज कोरोना से पीड़ित है, जिन्होंने घोषणा किया था कि 15/5/2020 तक 50,000 हो जाएंगे, 31/5/2020 तक 8,00,000 हो जाएंगे, वो कुछ संक्रमित हो गए, आज वो कोरोना से पीड़ित हो गए, आज कैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आपने दूसरे कमिश्नर को, मुकेश कुमार को अपॉइंट किया है, आज अपने हालत ऐसी हो गई, अहमदाबाद की आपने अनाउंसमेंट करा दिया कमिश्नर के द्वारा में कि दूध के अलावा, पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 12 बजे के बाद आपसे पूरा लॉकडाउन कर दिया आपने, 12 बजे के बाद आपसे पूरा लॉकडाउन कर दिया आपने। जो सब्जियां मिल रही थी, राशन मिल रहे थे, हम तक जनता कहाँ जाएगी, कहाँ मिलेगा? मैंने अनाउंसमेंट किया था, मैंने रिक्वेस्ट किया था, मोदी जी आप गुजरात से आते हैं, आपके आपका चुनाव चिन्ह गुजरात आता है, अमित शाह जी आपका चुनाव चिन्ह गुजरात आता है, आप जनता को देखें, बिहार जनता कितनी परेशान है। आज अहमदाबाद में सभी हॉस्पिटल फुल हैं और जितने पेशेंट हो गए हैं, आप देखिए आपने क्या किया, क्या अरेंजमेंट किया, क्या उपाय किया। मोदी जी आपका देश है, आपका प्रदेश है, लोग कितने परेशान हैं, आप देखिए गुजरात में क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि कोरोना की वजह से आप पूरा इंडिया को डुबो देंगे। अपने मन की बात में क्या क्या बोलते थे, अपने लास्ट में क्या बोलते थे, आपने 2 बार आपने लॉकडाउन को बढ़ाया, आपने बोला कि मुझसे गलती हो गई, जनता क्या बोलती होगी, मोदी कैसा आदमी है, कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि लॉकडाउन कर दिया, ये किस दिन कर दिया, आप गिल्टी फील कर रहे थे और आप केयर नहीं किया। दारू, आपने दारू चालू कर दिया, आप बताइए दारू से क्या सोशल डिस्टेंसिंग कैसे दूर होगी? आपने देखा दिल्ली का क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, आंध्रा में क्या हुआ, किस तरह से वाराणसी की जनता परेशान थी, लोग एक से ऊपर
चल रहे थे। आप बताइए, आप बोलते हैं लॉकडाउन का आप पालन करो, कैसे पालन करें लोग दारू के लिए। आप बताइए 3000 करोड़ का धंधा हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, 472 लाख रुपए का धंधा एक्साइज आपका दारू बिका है बनारस में। आप बताइए कैसे लोग काम करेंगे, कल की बनारस समस्या कितना है, 4 केसेस दर्ज हुए हैं इसी के अगेंस्ट में, लोग दारू पी करके रोड पे आ गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज चैलेंज कर दिया है हमारे वहां दारू बंद हो जाएगा, हम दारू नहीं चालू करेंगे। आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, तो आप पहले क्यों नहीं सोचा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, और समस्या आ रही थी अर्थव्यवस्था की, पैसे नहीं थे, फंडिंग नहीं था, तो आपको ऑफ प्लान करना था, ऑफ प्लानिंग करना चाहिए था। जितना फंड आपके गवर्नमेंट के पास आया है, सेंट्रल में आया है, मोदी जी क्या क्या फंड आपने, किसको फंड दिया आपने? हमारे उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं मैं 31/5/2020 तक कोरोना को समाप्त कर दूंगा, पूरे हमने हम महाराष्ट्र को फ्री कर देंगे। अच्छी बात है, आप बोले थे मैं 23/5/2020 तक फ्री कर दूंगा, रमजान तक, ईद तक फ्री कर दूंगा। हमारे तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव जी 27/5/2020 तक पहले घोषणा कर दिए। हमारे तेलंगाना के लोग पुणे में, कलवा में, मुंबई में और लाखों लोग पड़े हुए हैं, उनको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ट्रेनें नहीं है। हमने 2 बार मैंने एप्लीकेशन आपके भेजा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तेलंगाना गवर्नमेंट को, कि हमारे जो पुणे के लोग हैं तेलंगाना में फंसे पड़े हैं, कलवा में फंसे पड़े हैं, दीवा में फंसे हुए हैं, पुणे फंसे हुए हैं, इनको ट्रेनें दिया जाए। आप विचार कर रहे हैं, मुझे तेलंगाना सरकार का आज मैसेज आया, हम विचार करें, कंसीडर कर रहे हैं कि हम जैसे उनको बुलाएंगे, वरंगल तक बुलाएंगे। मुझे ऐसा है तेलंगाना गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, कंसीडर करने के बाद में ये मैसेज भाषा गवर्नमेंट भेजेगी, जो फेयर रहेंगे वो पे करेगी, और यहाँ के हमारे जो इनको ट्रेनिंग दिया जाए। आप विचार कर रहे हैं, मुझे तेलंगाना सरकार का आज मैसेज आया, हम विचार करें, कंसीडर कर रहे हैं कि हम जैसे उनको बुलाएंगे, वरंगल तक बुलाएंगे। मुझे ऐसा है तेलंगाना गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, कंसीडर करने के बाद में ये मैसेज भाषा गवर्नमेंट भेजेगी, जो फेयर रहेंगे वो पे करेगी, और यहाँ के हमारे जो लोग हैं तेलंगाना वरंगल तक पहुंचेगी। इसी तरह से पूरे इंडिया के आज जो हमारे लोग माइग्रेंट, हमारे लोग आज वर्कर परेशान हैं, लोग बसों से जा रहे हैं, ट्रेनों से जा रहे हैं, आप उसके लिए क्या क्या नियम लागू कर दिया है? अगर आप फ्री कर देते, नहीं आज जिसकी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, अब उसे सवार हो जाओ, उससे चले जाओ, ट्रेवलिंग करो, इंडिया फ्री हो जाती है। मैं बार बार अपने लाइव में बोला हूँ, मोदी जी, अमित शाह जी, ऑल स्टेट के सीएम, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, रिक्वेस्ट किया हूँ कि जो लोग फंसे हुए हैं 40 दिन से फंसे हुए हैं, 43 दिन से फंसे हुए हैं, वो लोग कितने बेचार परेशान है, उनके फैमिली कितनी परेशान है, घरों में उनके खाने के लिए पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड तो दे नहीं रही है, लोग परेशान कर रही है। दारू चालू करने की क्या जरूरत थी? दारू से अब लॉकडाउन का कैसे अब लोग पालन करेंगे? आप देखिए आज बंबई की समस्या क्या है, सभी टोला के खुल गए हैं, लोग घूम रहे हैं, कारों से घूम रहे हैं, ये तो लॉकडाउन का सिस्टम है। कल दारू के लाइन पूरे इंडिया में लोग लगे रहे, मैं वीडियो देखता रहा, लोग दारू के लिए घूमते रहे। क्या है मोदी जी, ये क्या है? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, आप कैसे वर्क कर रहे हैं? ये दुख की बात है। आप बोलते हैं रविंद्र द्विवेदी जी हमारे खिलाफ कमेंट करते हैं, मैं क्या कमेंट करता हूँ, ये जनता की रोष है, जनता की आवाज, ये हमारी आवाज नहीं है, ये देश की आवाज है। दिस कमिटी वर्किंग अगेंस्ट कस्टम क्राइम इज ऑल ऑफ इंडिया, ब्रांचेज ऑल ऑफ इंडिया, दिस कमिटी वर्किंग अगेंस्ट कस्टम इज ऑल ऑफ इंडिया, दिस मेंबर कमिटी मेंबर इज 26 लाख ऑल ऑफ इंडिया। हम हमेशा आवाज उठाएंगे और हमेशा वर्क करेंगे, काम करेंगे, और कहीं भी जनता के साथ कहीं भी कोई मिसगाइड करेगा, सरकार मिसगाइड करेगी, मैं सरकार को काम नहीं करने दूंगा। मैं बोला था ना पालघर में साधुओं के साथ अत्याचार हुआ था, 16 तारीख को साधु मारे गए थे, मैं सेंटर तक मैसेज दिया, एडीजी क्राइम पुणे अब्दुल कुरानी साहब इसकी जांच कर रहे हैं। मुझे आशा है जितने एक्यूज है अरेस्ट हो गए, क्योंकि साधु संतों का अगर कोई हेल्प नहीं करेगा देश कैसे चलेगा, अब समाज कैसे चलेगा? आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को चर्चों को बंद कर दिया, आपने दारू चालू कर दिया, ये कैसा देश चलेगा हमारा? आप बताइए कैसे देश चलेगा? मोदी जी विचार करिए, आप गुजरात में दारू चालू करिए ना, गुजरात क्या फैन, गुजरात में दारू क्यों चालू किए? क्योंकि वहां बंदी है,
गुजरात के लोग दारू लाइक नहीं करते हैं, तो आप आज बोलते दारू, आप बोलते अर्थव्यवस्था बारे ढीली पड़ गए, प्राइवेट अर्थव्यवस्था की क्या अर्थव्यवस्था है? आप जीएसटी लाए, आप ट्रांसपोर्टेशन चालू कर दीजिए, रोड टैक्स चालू कर दीजिए, आप हाउसेज चालू कर दीजिए, रूरल डेवलपमेंट चालू कर दीजिए, पैसे फंडिंग आएंगे, जनता को आवाजाही कर दीजिए, दुकानें चालू कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा। आपके मुकेश कुमार जी ने आज अहमदाबाद में अनाउंसमेंट किया है 12 बजे के बाद में सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी, दुकानें बंद कर दीजिए, राशन दुकानें बंद की जाएगी, सब्जियां बंद की जाएगी। आप बताइए कैसे चलेंगे अहमदाबाद लोग, कहां जाएंगे? पहले ही हमारे वहां कमिश्नर विजय नेहरा साहब ने घोषणा किया था कि 15 मार्च 2020 तक 50 लाख हमारे संक्रमित लोग कोरोना होंगे, 50,000 सॉरी, और 31 मार्च 2020 तक 8 लाख हो जाएंगे, जिनको कुछ कि 15 मार्च 2020 तक 50 लाख हमारे संक्रमित लोग कोरोना होंगे, 50,000 सॉरी, और 31 मार्च 2020 तक 8 लाख हो जाएंगे, जिनको कुछ कोरोना का पेशेंट बनना पड़ा। दुख की बात है, आप कैसे लॉन्च कर रहे थे? आप ट्रम्प को नहीं लाते अहमदाबाद में, ट्रम्प अगर अमेरिका से आते 31 मार्च 2019 को, जब WHO का रिपोर्ट आया था कि संक्रमित होने वाला है, कोरोना आने वाला है, आपने क्या इलाज किया, क्या आपने ट्रीटमेंट किया, क्या मैनेज कमेटी बनाया आपने, क्या नोमिनेट किया आपने, किसको अपॉइंट किया आपने? नहीं किया, प्लानिंग नहीं थी आपके पास में, कोई योजना नहीं है, खाली गुमराह करना, घंटे बजाओ, टॉर्च बजाओ, दिया जलाओ, इससे क्या होने वाला है? क्या हुआ? कोरोना बढ़ते गया, बढ़ते गया, आपने सबको भ्रम पैदा किया। अब ऐसा मत करें मोदी जी, अब अच्छे प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, देश का अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करिए, लोगों को न्याय दीजिए। आप खुद आइए टीवी पर और बोलिए कि आपसे जो गिल्टी फील किया, जो आपने गलती किया है, ये लॉकडाउन करके पहले घोषणा कर दिए होते, आप 24/3/2020 के 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, 5 तारीख जो आपने 22/3/2020 को कर्फ्यू लगाया था, आप कर्फ्यू पहले अनाउंसमेंट कर दिए होते कि मेरा डिसीजन है कि मैं 4 दिन 5 दिन पहले ये लॉकडाउन करने वाला हूं, तो लोग माइग्रेंट हमारे जो है, आज हमारे जो लोग है अपने घरों पर पहुंच जाते, आज लोग कितने परेशान आपको मालूम है? राशन नहीं है, सब्जियां नहीं है। आज देखिए हमारे गुरुग्राम में, हमारे हरियाणा में सब्जियों के किस तरह से बीमारी फैल रही है, आज हमारे आजादपुर मंडी में कैसी बीमारी फैल रही है, आप देखिए मेरठ में, नवीन मंडी में कैसी बीमारी फैल रही है, कितने कोरोना पेशेंट हो रहे हैं, आप देखिए तमिलनाडु में कैसे पेशेंट हो रहे हैं, आज लोग सब्जी कैसे खाएंगे, छुआछूत की बीमारी हो गई है, लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? मोदी जी इस पर विचार करिए, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑल पावर आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन सब पावर आपके पास में है, आपने घोषणा किया था हमारे सभी कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने हमारे सांसद हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा वर्क करेंगे, क्या वर्क करेंगे, क्या प्लानिंग किया था आपने 2014 में, कौन से आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, आपने विकास के लिए काम किया है, क्या काम किया आप बताइए, जनता सामने पिक्चर रखिए, क्या काम किया आपने, कैसे काम किया आपने, आज कितना फंडिंग आप लाए हैं, देश में कितना फंडिंग दिया है मोदी जी, आप देखिए ध्यान दीजिए, आपके फेस नंबर 01123019545, नेक्स्ट नंबर सेकेंड नंबर 01123016857, मैं जनता से अपील करता हूँ, ये दोनों मैसेज पर फेस नंबर पर इतने फैक्सेज भेजो, इतने मेल करो कि मोदी का दिमाग खुल जाए कि जनता कितनी परेशान है, कोरोना के लोग कितने संक्रमित है, कितने परेशान है। मोदी जैसा मत करिए, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी आपको दिया गया है, आप मन की बात बोलते हैं, आपने 4 लोग खड़ा कर दिया, एक बस्ती से, एक कर्नाटका से, आपने जम्मू कश्मीर से और एक बिहार से। मैं पहले ही बोला था कि आप गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, महाराष्ट्र में, अब वहां के लोग खड़ा करिए कि आपके इस जनधन योजना से, आपके ग्राम विकास योजना से किसको फायदा है, आपके लॉकडाउन से किसको फायदा मिला, किसको फायदा मिला, जो दारू पीने वाले हैं, जो लाइन तोड़ रहे हैं, जो जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ रहे हैं, आज उनको दारू के लिए, आपने देखा वीडियो, देखिए मोदी जी कि कैसे लोग लाइन को तोड़ करके दारू के धंधे, ऐसा अपना तब जो आपने 24/3/2020 को घोषणा किया था, वही घोषणा मुकेश कुमार ने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, देश के न्याय के लिए एक्ट रूल एक्ट डिसिप्लिन रूट एक ही होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, जनता सेम होना चाहिए, और हमारी कम्युनिटी आगे क्राइम पूरे देश में काम कर रही है और ऐसे काम करती है जहां अत्याचार हो
होगा, ये कमिटी आवाज उठाएगी। इस कमिटी का एक ही काम है अगेंस्ट क्राइम कल्चर वर्क करना, और हम काम करेंगे। ये फर्स्ट एनजीओ है जिसके 26 लाख मेंबर पूरे इंडिया वर्क कर रहे हैं। मोदी जी, मैं बार बार से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जांच करा लो हमारी कमिटी कैसे देश में काम करिए। फर्स्ट एनजीओ है जो कि इस कमिटी का ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है, ब्लैक लेवल से तालबा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर। और हमने फर्स्ट एनजीओ है जिसने 5 ईयर रैली ऑर्गेनाइज किया और ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज किया, 50 जीप कार और हमारे 500 पीपुल्स लोगों ने मार्च करते रहे, निकालते रहे 2002 से 2006 तक। 5 ईयर हमने रैली निकाला, हमारे खिलाफ कोई रैली आज तक नॉन कॉन्स्टेबल काउंसिल ऑफिसर दर्ज नहीं है कि रैली का कोई दौरान क्राइम हुआ है। मोदी जी आप देखिए, हमने भी ये काम किया एनजीओ का, हमने कोई सपोर्ट सेंटर से लिया, कोई सब्सिडी लिया, कोई आपसे हमने आपसे फैसिलिटी लिया, हमारी कम्युनिटी के बेस पर बिहार पर आज हम काम कर रहे हैं। आज हमारी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से नहीं ले रहे हैं, हमारे मेंबर दे रहे हैं। 26 लाख मेंबर 1 रुपए देंगे, 26 लाख रुपए होते हैं। आप बताए हम काम कर रहे हैं, जनता के सामने काम कर रहे हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप विचार करें। और रिक्वेस्ट मेरी है, जो जनता जहां रुकी है, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्शन है, जहां लोग रुके हैं अपने कार से, ट्रैवलिंग से, जैसे भी आते हैं, उनको पास दिया जाए, ई पास दिया जाए, लोग वहां से निकले पहुंचे। आपने बोला कि तमिलनाडु चले जाए, आंध्र लोग चले जाए, और लोग कहां जाएंगे? योगी सरकार सुनती नहीं है, इतनी जांच कर रही है, वो भेजती नहीं है। वो बोलते हैं 6.5 लाख लोग हमारे पास आ गए हैं, हम अभी ले गए नहीं, तो बम्बे के लोग कहां जाएंगे, और लोग कहां जाएंगे? अपने 6.5 लाख ले लिया आपने, बोलते हमारे पास जगह नहीं है, आप वहां पर चेकिंग कराओ, वहां पर जाकर मेडिकल कराओ। डॉक्टर की आपने डिमांड इतनी कर दिया है कि डॉक्टर 2-3 घंटे लोग खड़ा कर रहे हैं, एक तो पहले से परेशान है, तुम पे खड़े हो रहे हैं। आप ट्रीटमेंट खुद कराओ, आप हॉस्पिटलों में या अस्पतालों में या ट्रेनों में या बसों में आप ट्रीटमेंट खुद कराओ, खुद चेकिंग कराओ, खुद जांच कराओ, मेडिकल कराओ, जनता को न्याय मिलेगा, लोग घरों तक जाएंगे। मेरी यही विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी, मैं दोबारा 8/5/2020 को आऊंगा, 10/5/2020 को आऊंगा, 12/5/2020 को आऊंगा, 14/5/2020 को आऊंगा, 16/5/2020 को आऊंगा, 17/5/2020 8 बजे आऊंगा। मोदी जी मैं इतिहास खोलता रहूंगा। अगर आप लॉकडाउन में ढील नहीं दिए और आपने लोगों को न्याय नहीं दिया, लोगों को खाना नहीं दिया, तो मैं धज्जी धज्जी उड़ा दूंगा और मैं इस तरह अनशन आंदोलन करूंगा जिसे हमने 30/9/2019 को हमने जंतर मंतर किया था। और 1/10/2019 आपको याद होगा, हमारे लाखों जनता जंतर मंतर पर आएगी और मैं ऐसे आवाज उठाऊंगा कि लॉकडाउन आपने किया, अच्छा किया, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जनता को न्याय दो। स्लम एरिया में जितने लोग परेशान हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए कहीं पर ट्रांजिट कैंप बनाइए, लोग वहां ले जाइए, खाने की सुविधा दीजिए, तो लोगों को एक जो गलतियां हो रही है एक सक्रिय हो रहे नहीं होंगे, क्योंकि छुआछूत बीमारी दूर हो जाएगी और निकल जाएगी, लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन 26 को आऊंगा, 17/5/2020 8 बजे आऊंगा। मोदी जी मैं इतिहास खोलता रहूंगा। अगर आप लॉकडाउन में ढील नहीं दिए और आपने लोगों को न्याय नहीं दिया, लोगों को खाना नहीं दिया, तो मैं धज्जी धज्जी उड़ा दूंगा और मैं इस तरह अनशन आंदोलन करूंगा जिसे हमने 30/9/2019 को हमने जंतर मंतर किया था। और 1/10/2019 आपको याद होगा, हमारे लाखों जनता जंतर मंतर पर आएगी और मैं ऐसे आवाज उठाऊंगा कि लॉकडाउन आपने किया, अच्छा किया, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जनता को न्याय दो। स्लम एरिया में जितने लोग परेशान हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए कहीं पर ट्रांजिट कैंप बनाइए, लोग वहां ले जाइए, खाने की सुविधा दीजिए, तो लोगों को एक जो गलतियां हो रही है एक सक्रिय हो रहे नहीं होंगे, क्योंकि छुआछूत बीमारी दूर हो जाएगी और निकल जाएगी, लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर ले, ये हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं रात दिन 24 घंटे पंडित पूजा करते हैं, साईं मंदिर के पंडित जी हैं, मंदिर बंद कर दिए हैं, धर्मस्थल बंद कर दिए हैं, पंडित जी क्या करेंगे, लोग मंदिर नहीं जाएंगे, न्याय कैसे मिलेगा, भगवान उसको कैसे दुआएं देंगे? आपने दारू चालू कर दिया, दारू से दुआ मिलेगा, दारू से और क्राइम होगा, और करप्शन बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन ऐसा करप्शन बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, डेथ होगी और हमारे एक्सीडेंट होंगे, कैसे बढ़े, पुलिस परेशान होगी। आपने पुलिस को काम पर लगा दिया, खाने बांट दो, जो प्रेशर का पुलिस कर रहे थे वो अपने खाने बांट कर दिया। मोदी जी रिक्वेस्ट है, अमित शाह जी रिक्वेस्ट है, और आज सीएम आज की हिस्ट्री
हमारे स्टेटों से रिक्वेस्ट है कि आप जो लोग फंसे हुए हैं आप उनको सुविधाएं दें, ई पास दें या उनको सुविधाएं दें, बसे के जो फ्री किया आपने बसे फ्री कर दें, टैक्सी फ्री कर दें, कार फ्री कर दें, लोग पहुंचे जिससे उनको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।